गाना नहीं गा रही हूँ, आज का टॉपिक बता रही हूँ। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम कौन सी है? लिप्स का पिगमेंटेड होना, मतलब कि लिप्स का डार्क होना, राइट? आज हम उसके ऊपर ही बात करने वाले हैं। पहले तो हम समझ लेते हैं कि लिप्स डार्क पिगमेंटेड होते कैसे हैं, मतलब कि उसके रीजंस क्या है, ठीक है? सबसे बड़ा रीजन है उसका तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अनहेल्दी लाइफस्टाइल से सिर्फ हमारे लिप्स पे ही नहीं, पूरे बॉडी पे, ऑल ओवर हेल्थ पे, स्किन पे, हेयर पे, सब पे ही खराब असर पड़ता है। सन एक्सपोजर है वो भी असर करता है, हम पानी कम पीते हैं वो भी ऑफकोर्स असर करता है, और स्मोकिंग बहुत खराब, बहुत खराब। और एक वो भी चीज है कि जब लिप्स हमारे ड्राई हो जाते हैं तो हम हाथ से पील करते हैं, वो जो स्किन होती है ना उसको निकालते हैं दांत से या हाथ से, ठीक है? तो उसकी वजह से भी लिप्स पिगमेंटेड होते हैं, तो वो करना भी छोड़ दो अभी। हमारे लिप्स वैसे भी काफी सेंसिटिव होते हैं तो एक्स्ट्रा केयर तो मांगेंगे ही। तो आज के वीडियो में लिप लाइटनिंग की ऐसी दो ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ। देखो, पहले ये समझ लो कि हमारे लिप्स जेनेटिकली डार्क नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से डार्क हुए है ना, तो आपने सही वीडियो ओपन किया है। लिप लाइटनिंग ट्रीटमेंट का पहला स्टेप है सुपर एक्सफोलिएटिंग। देखो, अभी लिप स्क्रब हो, स्किन का स्क्रबिंग हो या फिर बॉडी स्क्रब हो, किसी भी स्क्रब का काम होता है एक्सफोलिएट करना, मतलब के डेड स्किन सेल्स को अच्छे से रिमूव करना। तो अभी होममेड स्क्रब के लिए हमें चाहिए 1 स्पून हनी, फिर हनी में ऐड करना है 1 स्पून ग्लिसरीन और शुगर छोटी वाली, मिक्स कर देना है उसको। ये स्क्रब रेडी है और अच्छे से सर्कुलर मोशन में बड़ी जेंटली मसाज करना है। स्क्रबिंग हमें 2-3 मिनट ही करना है, ठीक है? ओवर स्क्रबिंग नहीं करना है। ज्यादा देर स्क्रबिंग करने से या फिर लिप्स को रगड़ने से जल्दी लाइट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उल्टा ऐसा करने से आप डैमेज कर लोगे लिप्स को। फिर 1 मिनट तक ये स्क्रब को लिप्स पे ही रहने दो, फिर वाइप ऑफ कर लेना है। लेकिन यहाँ पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी एक बढ़िया सा लिप ब्राइटनिंग मास्क भी बनाएंगे। उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बीटरूट, फिर एलोवेरा जेल और देसी घी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है? मसाज इट वेरी प्रॉपरली अंटिल इट ऑब्जर्व इनटू स्किन। देखो, ये सिर्फ एक स्क्रब और मास्क नहीं है, ये कंप्लीट ट्रीटमेंट है हमारे लिप्स को लाइटन अप करने के लिए। देखो, स्क्रब में हमने यूज किया हनी। हनी एक नेचुरल ह्यूमिकेंट है जो कि मॉइस्चर को अपनी ओर खींचता है और लिप्स को हाइड्रेटेड रखता है। हनी में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती है जिससे कि ड्राई चैप्ड और फटे होंठ जो होते हैं ना उसको ये सूद करता है, सॉफ्ट बनाता है। और हाँ, हनी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती है जो कि हमारे लिप्स को ड्राई होने से प्रिवेंट करता है और एक्स्ट्रा स्मूथ करता है। फिर हमने यूज किया ग्लिसरीन। ग्लिसरीन लिप्स को सुपर सॉफ्ट बनाता है, सुपर हाइड्रेटेड बनाता है। ड्राइनेस और जो इचनेस होती है ना, जो भी हमें इरिटेशन होती है ना ड्राइनेस की वजह से, उसको ये भगाता है। डेड स्किन सेल्स को इजिली जेंटली रिमूव करता है अच्छे से, और हाँ, लिप्स के डिस्कलरेशन को भी ये प्रिवेंट करता है। फिर हमने यूज किया शुगर। शुगर भी डेड स्किन सेल्स को अच्छे से रिमूव करता है। देखो, हनी और शुगर का ये जो कॉम्बो है ना, वो हमारे लिप्स के लिए बहुत अच्छा वाला स्क्रब बन जाता है, बॉम स्क्रब बन जाता है, जिसके मल्टीपल बेनिफिट्स है। देखो, अभी मास्क बनाने के लिए हमने यूज किया बीटरूट। बीटरूट में नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है जो कि डिस्कलरेशन, पिगमेंटेशन को प्रिवेंट करता है। उसके अलावा लिप्स को सुपर सॉफ्ट बनाता है, सुपर हाइड्रेटेड रखता है, प्लम्प रखता है। फिर ड्राइनेस की वजह से जो इचनेस होती है ना, उसको भी ये रिपेयर करता है, प्रिवेंट करता है। और आपने देखा होगा कि मार्केट में मिलने वाले हर एक लिप बाम, हर एक मास्क में बीट रूट वेरिएंट तो मिल ही जाएगा हर एक ब्रांड में। फिर हमने ऐड किया था एलोवेरा। एलोवेरा के मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा गुणगान गा चुकी हूँ, अभी ये वीडियो में कुछ नहीं बताना, क्योंकि इस चमत्कारिक प्लांट की जितनी भी तारीफ करें ना उतना कम है। फिर भी आपको तारीफ सुननी है ना, तो आप आई बटन पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा, वो आप देख लेना, सब समझ आ जाएगा। अभी ये वाला जो ट्रीटमेंट है ना, आपको वीक में 3 बार करना है, लेकिन अल्टरनेट डेज डेली नहीं करना है। अभी ये जो 6 चीज है ना, वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। आप इसमें से कोई एक भी चीज यूज करते हैं ना, तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे तो हम 6 की 6 चीज मिला रहे हैं, तो सोचो कितना अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। रहने दो, सोचो मत, ये सारी चीजें इकट्ठा करो और शुरू हो जाओ। देखना 15 से 20 दिन में आपको विजिबल रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। इफ यस, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।